जो कि मैं करने वाली हूँ लैक्मे सीसी क्रीम से। सीसी क्रीम यूज़ करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन में बहुत अच्छा कवरेज नहीं मिलता है आपके मेकअप लुक में, एंड आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा केकी केकी नज़र आने लगती है, एंड आपका जो मेकअप है वो बहुत ही जल्दी निकल जाता है, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी टिप शेयर करूँगी कि आप ये सीसी क्रीम कैसे यूज़ करें जिससे कि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड आपकी स्किन बिल्कुल भी क्रेकी ना रहे। फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ड्रामा क्वीन इल्मा। इफ यू आर न्यू हियर, आई एम इल्मा। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लूँगी जिससे कि मेरी स्किन में जो भी डस्ट है वो रिमूव हो जाए और मेरा फेस क्लीन हो जाए। वैसे मैंने फेस वॉश कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लेती हूँ, उसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, मेरा फेस जो है अच्छे से वाइप हो गया है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सो गाइस, मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। इसमें है आपको मिल जाता है SPF 24, एंड ये काफ़ी अच्छा है। तो विंटर आने वाले हैं तो ये मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो थोड़ा सा अमाउंट में मैंने मॉइस्चराइजर लिया है और इसे मैं अपनी स्किन पर पहले अप्लाई कर लूँगी। सो गाइस, अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। सो गाइस, प्राइमर अच्छे से अप्लाई हो चुका है, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर। सो या गाइस, अगर आप कोई भी बीबी क्रीम यूज़ करते हैं या सीसी क्रीम यूज़ करते हैं, उससे पहले आप यूज़ कर लें कंसीलर। इससे आपकी स्किन में, आपके फेस पर, आपके मेकअप को बहुत ही अच्छा कवरेज मिलेगा। सो मैं अच्छे कवरेज के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगी इनसाइड का HD प्रो कंसीलर, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले आप अपनी जो भी पिगमेंटेड एरिया वहाँ पर कंसीलर यूज़ कर लें। इसके बाद आपको आपकी क्रीम का बहुत ही अच्छा टेक्सचर मिलेगा, बहुत ही अच्छा कवरेज मिलेगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ कंसीलर, तो आपको जो भी पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पर कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लें। सो गाइस, कंसीलर अच्छे से अप्लाई हो गया है, तो अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इसको मैंने वेट कर लिया है, तो अब इसे बहुत ही अच्छा आपका जो कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। सो गाइस, कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो गया। सो अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर यूज़ करने के बाद लैक्मे 95 सीसी क्रीम। आप कोई भी सीसी क्रीम या बेबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं गाइस, बस क्रीम को यूज़ करने से पहले आप अपने फेस पर अच्छे से कंसीलर को अप्लाई कर लें, इससे आपको बहुत ही अच्छा कवरेज मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्रीम ले लेती हूँ थोड़ी सी, और इसको अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लेते हैं। सो अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं कंसीलर अप्लाई करने के बाद जो मैंने बीबी क्रीम अप्लाई की है, सीसी क्रीम अप्लाई की है, उससे कितना अच्छा कवरेज मिल गया है, बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो चुकी है। सो अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर। सो मेरे पास है यहाँ पर ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर, सो मैं इसको यूज़ करूँगी। तो गाइस, कॉम्पैक्ट पाउडर भी अच्छे से अप्लाई हो चुका है, अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश। तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर ली है बैटर चीक ब्लश पैलेट, सो इसमें से मैं ये वाला शेड अप्लाई करूँगी। सो ब्लश अप्लाई करने से पहले जो भी आपको शेड लेना है, उसे लेने के बाद आप ब्रश को थोड़ा सा झाड़ लें, देन आप ब्लश अप्लाई करें। इससे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा एंड बहुत ही अच्छे से ब्लश अप्लाई हो जाएगा। सो गाइस, ब्लश भी अप्लाई हो चुका है, अब मैं यूज़ करूँगी मेकअप फिक्सर, जिससे कि हमारा जितना भी मेकअप हमने किया है, हमारा बेस मेकअप है, वो अच्छे से फिक्स हो जाए। मेकअप फिक्सर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है इनसाइड का मेकअप फिक्सर, जो कि काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसे अच्छे से हम अपने फेस पर स्प्रे कर लेते हैं। हाइलाइटर, तो हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सुइस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट, इसमें से मैं यूज़ करूँगी सेकेंड वाला शेड। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला शेड, तो इसे मैं अपनी चीक बोन को और आईब्रो को हाईलाइट कर लूँगी, अपनी नोज़ को हाईलाइट कर लूँगी।
सो गाइस हाइलाइटर भी अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब मैं करने वाली हूँ अपना आई मेकअप स्टार्ट। तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्विस ब्यूटी का मेकअप प्रो आई शेडो पैलेट, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। सो मैं अपना मैचिंग का कलर यहाँ पर लगाऊंगी, ये वाला आई शेडो अप्लाई करूंगी। उससे पहले मैं डार्क ब्राउन क्रीज लाइन में अप्लाई करूंगी। सो मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ। सो या मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है ये वाला ब्राउन शेड, जिससे कि मैं अपना क्रीज लाइन बनाऊंगी। सो गाइस इसे हम फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपने आई के हाफ कॉर्नर में स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से ब्लेंड करेंगे इसे। सो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया गाइस, आप देख सकते हैं। और अब मैं इस पे अप्लाई करने वाली हूँ कंसीलर, जिससे कि मेरे कट क्रीज जो है वो बन के रेडी हो जाए। सो मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई करूंगी। सो मेरी हाफ जो कट क्रीज है वो बन के रेडी हो गई है। मैं सेम ऐसे ही दूसरी आई में भी क्रीज अप्लाई कर लूंगी। सो मेरी जो कट क्रीज है गाइज वो बन के रेडी हो गई है। तो अब मैं इस पर हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करूंगी। मैं इस पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं यूज करूंगी इस पर ग्रीन कलर का आई शेडो। और लिया एक फ्लैट ब्रश, जिसकी हेल्प से मैं इसके ऊपर सिंपली आई शेडो अप्लाई करूंगी। सेम ऐसे ही मैं इस वाली आई पे भी इसे अच्छे से स्टिक कर लूंगी। सो गाइस ग्रीन कलर अच्छे से अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं यूज करूंगी अपने लोअर लैश लाइन पे लाइट ब्राउन कलर। यूज करूंगी लाइनर। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कलर कैफे का आई लाइनर। सो गाइस लाइनर भी अच्छे से अप्लाई हो गया है। मैं यूज करूंगी यहाँ पर मस्कारा, तो मेरे पास है यहाँ पर मारियो का मस्कारा, तो इसे मैं अपनी आईज पे अच्छे से अप्लाई करूंगी। और अब मैं यूज करूंगी फॉल्स लैशेज। मैंने लैशेज जो है वो अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूंगी एंड उसके बाद हमारा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो डिफाइनर, तो इसे मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूंगी और अच्छा सा शेप दे दूंगी। मेरी आईब्रो अच्छे से फिल हो चुकी है और मेरा मेकअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो अब मैं यूज करूंगी काजल। तो काजल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेबेलिन न्यूयॉर्क का काजल, तो इसे मैं अपनी आईज पे अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। काजल भी अच्छे से अप्लाई हो चुका है और मेरा मेकअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यूज करूंगी लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर ली है इनसाइड की लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक है और मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अब रेड कलर अप्लाई करूँगी अपने लिप पर। तो गाइस मेरी लिपस्टिक भी अच्छे से अप्लाई हो गई हो और जो मेरा मेकअप है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना फाइनल लुक। अगर मेकअप लुक पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड गाइस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में दिए गए बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो से आप लोग अपडेटेड रहो। और गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।